दोस्तों आपने मैसेज ऐप को यदि अपडेट नहीं किया तो अपडेट कर लीजिए। अपडेट करने के बाद आपको एक आइकॉन दिखाई देगा, इसको गूगल की तरफ से बनाया गया एक चैट जीपीटी चैट बोट होता है जिसका नाम है जेमिनी। इसमें आप क्लिक करेंगे और कोई भी सवाल का जवाब पूछेंगे तो आपको उसका जवाब दे देगा। जैसे यहाँ पे ये काम कैसे करेगा, आपको इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए तब ये काम करेगा, ठीक है। जैसे पूछता हूँ सजेस्ट मी 5G मोबाइल फोन, अभी समझ जाएगा हिंदी मेरा गड़बड़ी है। सजेस्ट मी 5G मोबाइल फोन, यहाँ पे इंटरनेट से वो सर्च कर रहा होगा रिजल्ट और यहाँ पे मेरे को उसका जवाब देगा। यहाँ पे ये समझ गया है, ठीक है, 5G फ़ोन के फ़ायदे क्या क्या है ये वो हमको सजेशन में दे रहा है कि ये आप फ़ोन ले सकते हैं। पूरी हिस्ट्री उस्ट्री बता दी कि 5G फ़ोन नई पीढ़ी की तकनीकी क्या कैसा है, पूछा कुछ थे बता कुछ और रहा है, पूरी डिटेल में यहाँ पे वीडियो मतलब फोटो के साथ बता रहा है और लिंक भी दे रहा है कि आप क्लिक करके खरीद सकते हैं। जैसे कुछ और पूछते हैं हमको, आज की तारीख क्या है, यहाँ पे उससे पूछा आज का तारीख क्या है तो यहाँ पे ये बता दिया आज की तारीख क्या है ये। अब जैसे उससे पूछो नवरात्रि कब आने वाली है, तो ये मैं इससे पूछा कि नवरात्रि कब आने वाली है तो यहाँ पे बढ़िया तरीके से बता दिया कि शारदीय नवरात्रि 3 अक्टूबर को चालू होगी और समाप्ति 12 अक्टूबर को होगी। आप नवरात्रि के बारे में अधिक जानना चाहते हैं तो अपनी जान सकते हैं कौन से देव किसी किस दिन पूजा की जाती है, नवरात्रि के महत्व ये वो, और इसके लिंक दिया हुआ है। और आप इसी तरह के मैसेज को इसको फॉरवर्ड भी कर सकते हैं दूसरों को, जैसे सेलेक्ट किए और यहाँ पे फॉरवर्ड के आइकन पर क्लिक करेंगे और जिसको भी भेजना होगा उसके नाम पर क्लिक करके भेज सकते हैं। तो यही था लेटेस्ट अपडेट मैसेज में, गूगल मैसेज में। बस इतने धन्यवाद।